नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान हाजिर हूँ अभी तक के तमाम अपडेट लेकर लोकसभा चुनाव के इस महापर्व को लेकर। महाकवरेज हमारी लगातार जारी है और कुछ ही देर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो जाएगा। आज देश के 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान का सिलसिला जारी है। मतदान के बाद एग्जिट पोल के रुझान दिखाएंगे आपको और खबरें अभी तक पर पोल्स ऑफ एग्जिट पोल भी दिखाएंगे। हरियाणा और हिमाचल को लेकर भी एग्जिट पोल दिखाएंगे आप। तो खबरें अभी तक पर पोल्स ऑफ एग्जिट पोल दिखाएंगे आपको और इस बीच देश भर में क्या रुझान निकलकर सामने आते हैं इस बार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, इस पर तस्वीर साफ करने की कोशिश करेंगे। आज आखिरी पड़ाव है लोकसभा चुनाव का। देश के 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और इसी के साथ लोकसभा चुनाव में मतदान का सिलसिला खत्म हो जाएगा 2024 के लिए। 4 जून को फिर पूरे देश को नतीजों का इंतजार रहेगा। ये जानना सबके लिए अहम होगा कि इस बार देश ने किसको मैंडेट दिया है, जनादेश क्या है इस बार। अब मतदान के बाद रुझान आपको दिखाएंगे और खबरें अभी तक पर पोल्स ऑफ एग्जिट पोल के जरिए बताएंगे आपको कि देश भर में मतदान के बाद रुझान क्या कहते हैं, अलग अलग राज्यों में कौन किस पोजीशन में खड़ा हुआ नजर आता है एग्जिट पोल के जरिए आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये अहम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिग्गजों ने किस तरह से अपना वोट डाला, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं और वोटिंग अपडेट भी आपको दे रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक क्या वोटिंग अपडेट था ये भी आपको लगातार खबरें अभी तक के जरिए हम बता रहे हैं। तो कुछ ही देर में खबरें अभी तक पर आपको एग्जिट पोल्स के जरिए नतीजे के रुझान क्या हो सकते हैं, रिजल्ट्स के रुझान क्या हो सकते हैं वो दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, तमाम दिग्गज किस तरह से वोट कास्ट करने पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तमाम अहम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। देश के 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान जारी है और अब थोड़ी देर में रुझान आपको दिखाएंगे। खबरें अभी तक पर पोल्स ऑफ एग्जिट पोल के जरिए आपको दिखाएंगे हर राज्य में क्या सूरत हाल हो सकते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली से इंडिया गठबंधन की अहम मीटिंग चल रही थी पिछले कई घंटे से, जो खत्म हो चुकी है और ये मीटिंग के बाद की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इंडिया गठबंधन के तमाम अहम चेहरे इस मीटिंग में नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नजर आ रहे हैं, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सभी इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन की ये मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पिछले कई घंटे से चल रही थी। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव सब लोग नजर आ रहे हैं इस मीटिंग में। तो किन बातों पर चर्चा हुई होगी, हमारे सहयोगियों ने पहले भी बताया था, लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया होगा इस मीटिंग में और नतीजे पर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इंडिया गठबंधन की, इस पर भी चर्चा हुई होगी। आपको थोड़ी देर में तमाम तफसील भी देंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, इंडिया गठबंधन के ज्यादातर तमाम अहम चेहरे इस मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग खत्म हो चुकी है और अब मीटिंग के बाद की ये तस्वीर देखिए, अरविंद केजरीवाल भी मीटिंग में मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज जेल से बाहर अरविंद केजरीवाल का आखिरी दिन है। आज यानी 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल को उबूरी यानी अंतरिम जमानत दी गई थी, कल उन्हें सरेंडर करना होगा। और इस बीच ये मीटिंग के हवाले से तस्वीरें देखिए, इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग में कौन कौन से नेता मौजूद थे ये अब इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। सोनिया गांधी नजर आ रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, भगवंत मान, शरद पवार, इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े और अहम चेहरे इस मीटिंग में मौजूद थे। देखिए, इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी जो खत्म हो चुकी है और अब उसके बाद क्या कहा जाएगा गठबंधन की तरफ से, इस पर सबकी निगाह बनी हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर काफी अहम मंथन था जो इस मीटिंग में किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हीं के आवास पर इस मीटिंग का आयोजन किया गया था और अब मीटिंग के बाद की तस्वीरें दिल्ली से सीधे आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। Thank you.
इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, मीडिया के मेरे दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए दूसरे पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम ढाई घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीजों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है, और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए, ये चीज पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे, और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस, 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे, ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है, जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है, और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त है उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और पूरे ऑल पार्टीज का एक दूसरा भी एक इंस्ट्रक्शन है कि हर केडर को इसके बारे में बताना, सिर्फ इसके लिए नहीं, जो पहले महीने कहा इलेक्शन में किस ढंग से आखिरी तक बैठना, सी फॉर्म लेना और दूसरे जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होने तक कोई काउंटिंग
हॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए टिल ही गेट्स सर्टिफिकेट। ये हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस थे हमने दिए हैं और सभी लोग एक मत से इसको स्वीकार किए हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमने इतनी कोशिश इकट्ठा होके हमने की है और ये इकट्ठा होने के वजह से आज ये फिगर आपके सामने हम रख रहे हैं। और दूसरा, हाँ दूसरा, इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीजों में भी गड़बड़ी हो सकती थी, इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे और उनको करेक्शन करके जो मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्डर निकालना है और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है या रिटर्निंग ऑफिसर को वो भेजे, जल्द से जल्द ये काम करे। कल हमने समय मांगा है और टुमारो इस कल बोले तो टुमारो तो समय मांगा है, इसीलिए वो समय आते ही हम सब लोग मिलके उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि भाई जो जो चीजें हमने अपने मेमोरेंडम में बताए हैं उसका रेटिफाई करो, यही चीज आज अब तक हमारा हुआ। मैं सबको धन्यवाद देता हूं जो हमारे गठबंधन के नेता लोग हैं, सभी लोग अटेंड हो गए और खासकर सीनियर लीडर्स या जो है बालू साहब भी है, केजरीवाल जी है, हमारी कल्पना जी भी है, पवार साहब तो पहले भी आए थे वो पहले से तेजस्वी है और हमारे अखिलेश जी है और चंपन सुरेश जी है और ये येचुरी साहब है, अब मैडम गांधी तो हमारी लीडर है तो और राहुल जी है और राजा जी तो कहीं नहीं तो दिखते तो है वो मालूम है, उसके बाद में हमारे सीपीआईएम के एमएल के नेता है, सभी सभी हमारे शिवसेना भी है सब, माफ करना कोई भूल गया तो भी आपको, लेकिन सब लीडर अटेंड करके सीरियसली डिस्कशन करके इस नतीजे पे हम आए हैं और निश्चित रूप से गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगी, ये मैं आपको कहने के लिए यहाँ ठहरा हूँ। नमस्कार। हाँ नहीं मैं बोला सरकारी एग्जिट पोल, नहीं नहीं बोला वही बोला, इंडिया पार्टी ये है जनता का सर्वे हमारे पास है, सरकारी सर्वे उनके पास है, मैंने कहा। थैंक यू। वी आर यूनाइटेड ओनली, व्हाई यू आर डिवाइडिंग? शुभ शुभ बोलिए। और हमें नहीं भाई, इतने लोग यूनाइटेड है, ये बालू जी ऐसा ठहरे हमारे सामने वो झाड़ के जैसा, इतने लंबे हैं और सभी लोग हैं, केजरीवाल जी है, अखिलेश साहब है, तेजस्वी है, येचुरी साहब है, राजा साहब है, सभी लोग हम यहाँ पर, पवार है और मान है सबसे चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये सभी लोग है, इसीलिए हम एक है, एक रहेंगे, हमारे को डिवाइड करने की कोशिश मत करो। नमस्कार। थैंक यू। तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने बड़ा दावा किया है, अभी अभी मीटिंग खत्म हुई है, इंडिया गठबंधन ने 295 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात करते हुए मीडिया से कहा कि ये जनता का सर्वे है, इंडिया गठबंधन की 295 से कम सीटें नहीं आएंगी। हम सब कल चुनाव आयोग से मिलने के लिए जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा अपने संबोधन में, उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा है।